तो बाईपास होता है, इसका अंडरपास हुआ है। हाँ, और काफी अंडर तक हुआ है। अच्छा आपको पता है मोटे आदमी की इंसुलिन ऐसी होती है, हाँ, जो पतले आदमी को लगती है। What is this यार अहमद? What is this? ये आपने क्या मुझे जलील करने के लिए जुक्ते मार रहे हैं यार? अगला मुझे आई एम नेशनलिटी ऑफ USA। USA? या अच्छा इसको देखकर ऐसा लग रहा है 4-5 गुना इकट्ठा करके एक माजून बनाया। अच्छा मैंने इसके सारी इंक्वायरी की है यार, ये पहले हॉकी के कारखाने में काम करता था। Yes. हॉकी बनाता था? नहीं नहीं, हॉकी बनती कहीं और थी, ये सिर्फ उसको आगे से मोड़ता था। हाँ, पीछे की तरफ करके। भाई 2 महीने पहले चिड़ियाघर गया, चिड़ियाघर वालों ने इसको मार मार के बाहर निकाल दिया। क्यों? जराफे को देखकर कह रहे तेरी गर्दन में बड़ा सरिया है भाई। मैं लालू खेत से उड़ रहा था, एक बच्चे ने लंगर मारा, उसका लंगर मेरे लंगर में अटक गया। फिर? अरे फिर क्या, वो अपना लंगर खींच रहा था, मैं अपना लंगर खींच रहा था। एक शोहर अपनी बीवी की तस्वीर लगाई उसने बीच में, हाँ। एक घंटे से छुरी से निशाने लगा रहा है, और निशाना नहीं लग रहा। अचानक उसकी बीवी का फोन आ गया, करी जानू क्या कर रहा? बोला मिसिंग यू। तो मच्छर इनके नाना के माथे पे बैठा है, इन्होंने डंडा लेके नाना के सर पे मार दिया, नाना भी गए मच्छर भी गया। बोला एक उनका मरा एक अपना मरा। आप यकीन करो इसके दादा का इंतकाल हो गया, उनके सर के पास बीन बजा रहा है। मैंने बोला ये क्या कर रहा है? कह रहा आखिरी कोशिश कर रहा हूँ, क्या पता बच जाए। सुपरमैन साहब आपकी एजुकेशन क्या है? ये कोई 250-300 रुपए। वो क्या है जो ना मिले तो लड़के हाथ से भी काम चला लेते हैं? What is this? Oh, simple, hair brush. Burkut and Uzmi, today's show is very special. It's all about English. Oh, today, especially today. Why? Because today is our guest. He belongs to Hollywood. Oh my God. Hollywood. Good Hollywood. Ladies and gentlemen, very good. Put your hands together. The one and only Superman. Oh. Assalamu alaikum. Hello. ये तो सलाम कर रहा है। आप कह रहे थे इंग्लिश में बात करनी है? ये आपको उर्दू आती है सुपरमैन? अरे 1.5 साल से यहाँ पे फंसा हुआ, उर्दू क्या आई मुझे ना। मेमनी में गाल करो, तो मेमनी भी अच्छी थी। मेमनी कैसे आ गई? अरे भाई ये अपना बाकरा होटल है ना अखाड़ा दर पे, ये तो मेरा स्टाफ है। हाँ, वहाँ के 3 बच्चे पकड़े में मैंने, एक बच्चा 1500 रुपए देती है मासी, 3 बच्चे लेके उड़ के उनको स्कूल छोड़ता हूँ, फिर वहाँ से उनको घर। मैम जी भी क्लियर है। बहुत अच्छे भाई। मैं क्या करता फिर भाई? क्या करे भाई, हम तो आपको लाइन अप कर रहे हैं, कॉल भी नहीं उठा रहे आप। कहाँ से लाइन अप कर रहे हो, कॉल कैसे उठाऊ मैं, मुझे बताओ तो सही। कॉल क्यों नहीं उठा रहे भाई? अल्लाह के बंदे, तुम्हारी पॉडकास्ट के लिए निकला था घर से, रास्ते में बंदे मिले, लाओ भाई मोबाइल दे दो, लेके चले गए। सुपरमैन का ही मोबाइल छीन लिया। अरे भाई क्या कह रहे हो यार, ये क्या है, क्या हाल कर दिया सुपरमैन का, खुदाई खत्म। क्या शुगर हुई है, क्या हुआ है? नहीं, शुगर नहीं। अच्छा लोगों का बाईपास होता है, इसका अंडरपास हुआ है। हाँ, और काफी अंडर तक हुआ है। अच्छा आपको पता है मोटे आदमी की इंसुलिन ऐसी होती है, हाँ, जो पतले आदमी को लगती है। ये क्या हो रहा है सुपरमैन? सुपरमैन को आपने क्या जलील करने के लिए बुलाया? कैसी बात कर रहा है, डांट नहीं रहे? अबे सुपरमैन क्या गुटखा भी खाता है क्या? लगने गुटखा खाते हैं यार, एक तो खाना पड़ेगा ना भाई, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, ये एक फ्री में चीज मिल रही है। अरे इसको तो मैं जानता हूँ, मैंने इसकी सारी इंक्वायरी की है भाई, ये 1.5 साल पहले तुम आए थे ना। हाँ, सेहत थी इसकी। अरे ये बिल्डर था भाई। हाँ, बाहर के खाने खा के ये इसकी सेहत ऐसी हो गई यार, ये बाहर के खा के ऐसा खाना इतने खाए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला भाई तुम बाहर के खाने बहुत खा रहे हो, एक काम करो उड़ना छोड़ो वॉक किया करो। फिर वॉक कर करके दोबारा ऐसा हो गया ये मजीद है। ये चड्डी ऊपर क्यों पहनते हो? अरे तो भाई लोगों को बताने के लिए ना कि भाई कौन से कलर की पहनी हुई है चड्डी। अच्छा वाह, तो फायदा अंदर पहन ली, किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो भाई आप बता दो, हमें भरोसा है भाई, मैंने पहनी हुई, हम बोलेंगे ओके। ये हो सकता है कि अंदर आप पहन के करोगे भी क्या, मतलब वाली बात नहीं। अच्छा सुपरमैन भाई, ये आपकी अजदवाजी जिंदगी कैसे गुजर रही है? मतलब शादीशुदा जिंदगी। अच्छा शादीशुदा जिंदगी, मैं समझा बाजी की जिंदगी। बाजी हाँ, वो बाजी पैसे 2 दफा पैसे फंसाए उसके पास मेरे भाई। अच्छा। तो के पैसे नहीं दिया 2 महीने से। अच्छा। कंधे पे बिठा के ले जाते, बुद्धि पे चमाटे मारते हुए ले जाते बाजी को मुझे। अच्छा क्या ही, कितने दुख है इसके। अच्छा आपकी बीवी आपसे तेज उड़ती है या वो आपके साथ, मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है? भाभी की स्पीड ज्यादा, यही तो उसको शिकायत है। अच्छा नहीं पता क्या लोगों की होती है, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, इसकी हुई थी ग्लव मैरिज, भाभी ग्लव पहन के इसको टच करती थी। आए हाय, ऐसा है? और जब इसकी शादी हुई ना, लोगों ने इसको नाक पे हाथ रख के शादी का कवर दिया। What is this यार अहमद? What is this? ये आपने क्या मुझे जलील करने के लिए जुक्ते मार रहे हैं यार? अगला मुझे आई एम नेशनलिटी ऑफ USA। USA? या वेरी गुड। आप इंग्लिश यू आर इंग्लिश? यस, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊं? Yeah, of course, you say it to English me. L for Lanti. L for Lanti for you.
कितने बच्चे हैं आपके सुपरमैन भाई? जी मेरे 11 बच्चे हैं। अरे तेरे बच्चे? अरे और हालांकि क्या भाभी ने क्या डबल सिम लगवाई है? और हालांकि 1.5 साल से यहाँ पर है, बच्चे वहां और है। नहीं नहीं, ब्रॉड माइंडेड। अच्छा कंबाइंड प्रोडक्शन है? कंबाइंड प्रोडक्शन कंबाइनर। यार भाभी भी यही कह रहा है। अच्छा भाभी भी यही कह रहा है, लेकिन ये तो उड़ता रहता है उधर। तो बच्चे तो जमीन पे होते हैं क्या, आसमान पे? वो भी उड़ रहे होते हैं भाई। अच्छा। अरे भाई बीवी मुझसे तेज उड़ती थी, अब 11 बच्चे हो गए, अब तो वो चल भी नहीं पाती। सही है यार, ये ख्याल करना चाहिए। नया काम ले यार, ख्याल करना चाहिए औरत का यार। आप है ना, लेकिन औरत अगर खुद ना चाह रही हो कि मेरा ख्याल करे। हाँ सेहत का ख्याल करें। अच्छा सेहत की बात, मैंने इसके बारे में, अच्छा इसने, आप यकीन करो, इसने 4 लाख की घड़ी ली, टाइम नहीं देख सकता। क्यों? मुंह नीचे करता अंधेरा हो जाता है। आप ये पता ही ऐसा कैसे हो गया? एक दफा इस पे आसमानी बिजली गिरी थी। हाँ जब से इसका रंग उड़ गया, ये ऐसा हुआ था, कुछ हुआ था? हाँ ऐसा हुआ था, आसमानी बिजली गिरी, मेरा रंग उड़ गया। आप जैसे मेंढक निकल के फुदकते हुए जा रहे थे, मैं ऐसा हो गया। अच्छा आपको तो किसी ने जून जुलाई में भी नहीं कहा होगा यार जरा छांव में आ जाओ। क्यों बोले सुपरमैन? ये सुपरमैन के आर्ट्स काउंसिल में बैठता है क्या ये? अच्छा बात पता है क्या, मैं कितने भी गुना क्यों ना कर लूं, मेरी शक्ल इस जैसी नहीं हो सकती। बस ऐसी देखो आपके लिए एक वेरिएशन है आपके। इसको देखे सिंघाड़ा याद है। अच्छा बात पता है कि आप इसको हल्का ना लो, इसके अपने तेल के कुएं। अच्छा और ये अपने तेल के कुएं में खुद ही गिर गया था। आए हाय ऐसा हुआ था? हाँ मैं पाइप डूब में गया था। नेशनल हीरो? नेशनल हीरो, यस यस, दुनिया मरती है मुझ पे। हाँ ऐसी बात है, यस ऑफ कोर्स डेफिनेटली। इंग्लिश खराब हो गई है पाकिस्तान में लेके। डेफिनेटली कह रहा है, डेफिनेटली कह रहा है। जो यहाँ क्या क्या नौकरी की पाकिस्तान में, क्या क्या नौकरी आपने करने की कोशिश की? भाई मैंने बड़ी नौकरियां करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर बिजली के प्लांट लगाऊंगा, अपने लोगों को बिजली दूंगा। प्लांट लगाएगा मैं लोगों को गैस दूंगा। लेकिन यहाँ के लोग इस काबिल है ही नहीं भाई। भाई ये सुकून चाहते ही नहीं है। क्या चाहते हैं ये? परेशान जिंदगी चाहते है ये तुम्हारे जो लोग है ना, ये पता है किस चीज को तरक्की समझते? किस चीज को ये समझते? ट्रांसफार्मर गली में आ गया, ये तरक्की हमारे लिए। रोड बन गया, ये तरक्की हमारे लिए। गटर के ढक्कन आ गए, ये तरक्की हमारे लिए। तो ऐसे लोगों पे अच्छे हुक्मरान नहीं, ठेकेदार ही मुसल्लत होते हैं। ओए ओए ओए, ये सुपरमैन तो भाई अगले इलेक्शन में खड़ा होगा। जी जी बिल्कुल है? अच्छा इसको देखकर ऐसा लग रहा है 4-5 गुना इकट्ठा करके एक माजून बनाया। अच्छा मैंने इसके सारी इंक्वायरी की है यार, ये पहले हॉकी के कारखाने में काम करता था। yes. हॉकी बनाता था? नहीं, हॉकी बनती कहीं और थी, ये सिर्फ उसको आगे से मोड़ता था। हाँ, पीछे की तरफ करके। मतलब यूं करके, पीछे मशीन थी ना, यूं करके मोड़ता था। हाँ, अच्छा ये पहले पुलिस? नहीं भाई क्या हो कैसे गया, मोड़ता था हॉकी? अरे दांतों से मोड़ता था, जब तो दांत टेढ़े हो गए, हॉकी मोड़ना आसान बात है। आपके मुंह की जगह कहीं और भी दांत है? हाँ मतलब कहीं और भी है। अच्छा ये पहले पुलिस में भी नौकरी करता था, उन्होंने इसको निकाल दिया। अच्छा पुलिस वाले जो चोरी की गाड़ियां पकड़ के लाते थे ना, ये उनको रेंट पे देता था। बताना मैंने तो सारी इंक्वायरी कर चुका हूँ यार मैं तो भाई। इसके बारे में भाई 2 महीने पहले चिड़ियाघर गया, चिड़ियाघर वालों ने इसको मार मार के बाहर निकाल दिया। क्यों? जराफे को देखकर कह रहे तेरी गर्दन में बड़ा सरिया है भाई। ये हरकत भी तो ऐसी करता है, अपनी कमर पे झाड़ू बांध के कह रहे मुझे मोर बोलो। हाँ, और मुझसे कह रहे वंस मोर बोलो। अरे अपने कानों पे मोजे पहन कर कह रहे मुझे खरगोश बोलो। अपने मुंह पे लोटा पहन के कह रहे मुझे हाथी बोलो। हरकतें देखो यार, मैं इसके घर गया 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले आपके घर आया था मैं, वो मुझे कह रहा मेरे मेहमान, वो फूल झाड़ू नहीं होती उसमें चीनी डाल के कह रहे सवैया खाओ। मैं इसके घर गया, इसके भाई के दोनों हाथ कटे हुए थे। मैंने बोला तेरे भाई के दोनों हाथ कैसे कटे? ये क्या कर रहा है? इसने सऊदी अरब से किताब चोरी की थी, सऊदी अरब वालों ने इसके दोनों हाथ काट दिए। अच्छा इसके दूसरे भाई की उंगली कटी हुई थी, मैंने पूछा इसकी उंगली कैसे कटी? ये क्या कर रहा है? इसी ने तो बताया था, वो रखी है किताब। बताना तो अब जो उसकी उंगली कट गई, अब वो उंगली कैसे इस्तेमाल करता है? मतलब बगैर उंगली के कैसे हाथ इस्तेमाल करता है? जैसे आप करते हैं यार। मैं कह रहा हूँ कि वो सुपर हीरो है यार, चुकते मार मारे उसका मुंह सुजा दिया आपने। दिस इज वेरी टू मच, मोस्ट रिस्पेक्टफुली दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट। मैं थक चुका हूँ, इन लोगों से कहो कि जुक्तेबाजी खत्म करे, सीधा इंटरव्यू लेके मैं क्यों आया हूँ? जुक्तेबाजी जरूरी है क्योंकि मुझे, मैंने आपके बारे में इंक्वायरी हासिल की, आपके मैंने किताब पढ़ी है, डॉक्टर को जाके कह रहे मेरे गैरत का टेस्ट करो, रिपोर्ट नेगेटिव आई, डांस करने लग गया। देखो यार इसको एक बंदे ने हॉस्पिटल से आकर कहा आपके चचा बहुत सीरियस है, क्या कर रहे क्या बात करो यार, वो तो बड़े जॉली है। पता है ये सुपरमैन बेचारा बच्चों को लेके उड़ता था ना कमर पे। हाँ इसके यहाँ कमर में चुका गई थी, वो क्या हुआ था आपके कमर में चुका गई थी? हाँ भाई मैं लालू खेत से उड़ रहा था। हाँ एक बच्चे ने लंगर मारा। हाँ उसका लंगर मेरे लंगर में अटक गया। फिर? अरे फिर क्या, वो अपना लंगर खींच रहा था, मैं अपना लंगर खींच रहा था, इस चक्कर में मेरी कमर में चुका गई। फिर क्या, आप डॉक्टर के पास गए? नहीं हकीम के पास गया। हाँ हकीम के दोनों हाथ नहीं, अब वो मुझे मरहम लगा रहा। मैंने मरहम कैसे लगा रहा भाई, तेरे तो हाथ ही नहीं है। अरे याद आया, कुछ याद आया यार? है याद आया? बोलो यार एक सेकंड, हकीम के दोनों हाथ नहीं है, वो मरहम कहाँ से लगा रहा था?
अरे उसने बंदा रखा हुआ था यार। अच्छा पीछे की तरफ रखा हुआ था ना, वो बंदा नजर नहीं आता था किसी को। वो बंदा कहता मैं पीछे ही रहूंगा। अच्छा मैं समझता था इसका सिर्फ दिमाग ही खराब है, तो पूरा का पूरा बंदा ही खराब है यार। तो फिर आपको उस हकीम की आदत लग गई होगी। नहीं क्यों लगेगी, मरहम की आदत लग गई होगी। क्यों लगेगी, आप ढूंढते होंगे ऐसे बंदे जिनके हाथ ना हो ताकि आपको मरहम लगवाने में आसानी हो। यार आप मुझे क्या समझ रहे हैं, वही जो हकीम समझा था। अच्छा ये सही बोल रहा है, ये होता है। मैं भी एक हकीम के पास गया ना, मैंने कहा हकीम साहब जब मैं सुबह सो के उठता हूँ मुझे चक्कर आते हैं। हकीम साहब क्या करें, लो मुझे यहाँ बैठे बैठे आते हैं। प्रॉब्लम होता है ना यार, ये प्रॉब्लम होता है, उन्होंने दीवारों पे लिखा होगा। हाँ ना, ये सब प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, हालात की वजह से। अब आप देखे ना, एक शौहर अपनी बीवी की तस्वीर लगाई उसने बीच में, एक घंटे से छुरी से निशाने लगा रहा है और निशाना नहीं लग रहा। अचानक उसकी बीवी का फोन आ गया, करी जानू क्या कर रहे हो, बोला मिसिंग यू। ये किस वजह से हो रहा है, ये हालात की वजह से। वो सुपर हीरो है, कुत्ते का बच्चा बना दिया उसको। हालांकि सही कह रहे हो, आपकी बीवी आप पे तशद्दुद करती है बहुत। किस तरह से? अच्छा उल्टा है, मतलब बीवी करती है तशद्दुद। बीवी करती है जी, बिल्कुल करती है भाई। तो मतलब अच्छा। ये क्या आपकी बीवी क्या मेल है क्या है? यार सुपरमैन में आपको फिल्मों में देखा, आपका रंग तो बड़ा गोरा है यार ये। हाँ धुएं की वजह से हो गया ना, पॉल्यूशन की वजह से। ये इतना रंग काला कैसे हो गया? अबे भाई तुम रोड पे निकलो तो सही, आधा आधा घंटा ट्रैफिक में बंदा फंस जाता है, कभी पैदल भी चलना होता है। किसी रक्षे को देखो, उसका काला धुआं, सुजुकियां, डबल सिलेंडर, फट 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 फट। अरे मुंह क्या बेड़ा गर्क कर दिया, फेफड़े तक काले हो गए मेरे तो। इस सुपरमैन को देख के लग ऐसे रह जाते वीगो का साइलेंसर। यार ये सुपरमैन यार लानत है यार। यार अच्छा ऐसा 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 आदमी जो ना पैदा होने से पहले ही मायूस होता है, पता नहीं मैं पैदा हो पाऊंगा या नहीं। और ऐसा आदमी भी उस जगह पर पैदा होता है जहाँ लिखा हुआ होता है सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे छुट्टे मार रहा है। अच्छा ये सुबह जब उड़ने के लिए निकलता है ना, इसको देख के सूरज भी सनग्लासेस लगा लेता है। ओह माय गॉड, ऐसा होता है। अच्छा आप इसकी नाक गौर से देखो, पुराने जमाने में इस तरह की वॉशरूम की चप्पल हुआ करती थी। अच्छा सुपरमैन भाई, ये जब आप उड़ते हो तो प्रॉपर उड़ जाते हो, कुछ चादर वादर में कोई परेशानी तो नहीं है आपको यहाँ? अरे चादर में बड़ी परेशानी है भाई, कहीं बैठ के उठो ना तो बच्चे आवाज मार रहे होते हैं सुपरमैन तेरी मशीन चादर चबा रही है यार। कपड़ा चबा रही है। हाँ हाँ वही यार, देखो सुपरमैन पे भी यही झुकते मार रहे हैं लोग। देखो यार। अच्छा सुपरमैन एक बात समझ में नहीं आती, ये मशीन एक है तो बार बार पोजीशन बदलने का मकसद? हाँ आपके मतलब आपके अंदर जो मशीनरी है जिसकी वजह से आप उड़ते हैं, ये कुदरती है। हाँ कभी आप ऐसे उड़ जाते हैं, कभी ऐसे उड़ जाते, यूं चले जाते हैं, कभी सीधा उड़ता है। अच्छा इसके ये आपको उड़ने के लिए हाथ यूं सीधे ही करने पड़ते हैं या यूं भी कर सकते हैं यूं इस तरह? ये तो लोग नीचे से मुझे इशारे कर रहे होते, मैं तो सीधे रख के जाता हूँ। अच्छा आप ये पेट्रोल पी के चेक कर लेते हो कि असली है या नकली? हाँ 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 पिला के चेक करें। पिला के चेक करें तीली लगा के असली था या नहीं। मुझे तो लग रहा है काफी तीलियां लगी हुई। अच्छा ये मुझे बताइए, आपके कोई दोस्त वगैरह हैं यहाँ कोई? हाँ हाँ मेरे काफी दोस्त है लंदन में। लंदन में तो वो भी वहाँ भीख मांगते हैं? नहीं हाँ। वो आपकी तरह झुकते मारते हैं। अच्छा ये सुपरमैन फुल तैयारियों से आया हुआ, इतना बता तो। सुपरमैन ने शो देखा हुआ है ना? ये बताओ आपके कौन कौन दोस्त है वहाँ पे? मेरा दोस्त है स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन ऑफ कोर्स। और कौन कौन आपके दोस्त है? होलोमैन वो जो नजर नहीं आता ना, मतलब हल्क मैन भी आपका हाँ, दोस्त हाँ, हाँ। है ना? अच्छा ये जो स्पाइडरमैन है, इससे कभी आपका मुकाबला होता है कि वो जाल फेंकेगा आप उससे तेज जाओगे उल्टे? अरे उसको मैं लाया था 2 दिन के लिए, वो बेचारा ऐसे करता था हाँ। ऐसे जाल निकलता था हाँ। लेकिन लोग उसको बीच की उंगलियां दिखा रहे थे, वो वापस चला गया। हाँ वो इस तरह कुछ उड़ता है, मगर लोग ऐसे ना यार क्या करें हमारे। क्या जब आपको देख के ऐसा लगता है जैसे आपको कब्ज हुआ हुआ है, तो कराची का पानी पी के है ये ऐसा मसला है? बहुत है बहुत है, 3-3 दिन परेशानी रहती है। आए, 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 आए। तो उसका इलाज है वही हकीम, वही हकीम जिसके हाथ नहीं है? नहीं 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 फिर सही है, उसी हकीम के पास जिसके पास हाथ नहीं थे। नहीं ऐसा इंजेक्शन लगाएगा? हाँ हाँ मोटा इंजेक्शन जो जानवर को नहीं लगता, वो लंबी चौड़ी सुई वाला वो इंजेक्शन लगाएगा। हाँ फिर कब्ज ही रहने दे, सही है। अच्छा आप कभी उड़े और अचानक लाइट चली गई रात में तो फिर कैसे, मतलब क्योंकि कराची में तो लोड शेडिंग बहुत होती है। हाँ तो क्या मतलब कैसे, मैं कहीं भी उतर जाता हूँ। अच्छा जो मच्छर आपको काटता है तो आप उड़ के उसका पीछा कर लेते हो? अरे भाई मुझे मच्छर काटता ही नहीं है, ये मच्छर को काटता है हाँ। और इसके अलावा जहाँ भी बैठता हूँ ना मैं, एक मच्छर को मारता हूँ ना तो सारे मच्छर उसके जनाजे में चले जाते हैं। वाह 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 बहुत अच्छा, हमारे भी देख रहा है ये। अच्छा ये मच्छर की बात की ना, आप देखो एक लड़की का कहना है काश मच्छर जो है वो खून की जगह चर्बी चूसते हाँ। वो कैसी बात हो जाती है, लाइपोसेक्शन से बच जाते हैं है ना। आपने तो मच्छर के चक्कर में अपना नाना मार दिया था। कैसे? मच्छर इनके नाना के माथे पे बैठा है, इन्होंने डंडा लेके नाना के सर पे मार दिया, नाना भी गए मच्छर भी गया, बोला एक उनका मरा एक अपना मरा।
आप यकीन करो इसके दादा का इंतकाल हो गया, उनके सर के पास बीन बजा रहा है। मैंने बोला ये क्या कर रहा है, कह रहा आखिरी कोशिश कर रहा हूँ, क्या पता बच जाए। अरे भाई इनके नाना का इंतकाल हो गया, इन्होंने रोड के बीच में दफन कर दिया, बोला कबर की कबर, स्पीड ब्रेकर का स्पीड ब्रेकर। अरे सुपरमैन तो देख, सुपरमैन, ये सुपरमैन के पंजाब पर ड्रामे देखते। अबे भाई कहाँ है, थक गया हूँ मैं। आप सुना सुना, आप कब्रिस्तान में जाके मुझे कबर खुदी हुई थी, वहां पर अपनी गाड़ी खड़ी करके ऑयल चेंज कर रहे थे। ये सुपरमैन मेरा कल फैसलाबाद में भी उड़ा है। सारी जुगते याद करते हुए याद हो गई। अच्छा आप ये सुपरमैन भाई, अभी आप बीच में जेल भी गए थे। जेलें तो बनी मर्दों के लिए ना। हाँ, किस केस में गए थे? वो मैं इस केस में गया था, मैं उड़ता हुआ जा रहा था, शादी में हवाई फायरिंग हो रही थी, मेरी हवा खराब हुई के गोली मुझे नहीं लग जाए, मैं नीचे उतरा, दूल्हे के ऊपर गिर गया, दूल्हा फोत हो गया। फिर क्या, पुलिस वाले मुझे ले गए, 6 महीने से पकड़ के रखा था। अहमद भाई की मेहरबानी है, इसने बोला पॉडकास्ट में ले जा रहा हूँ, रिहाई दो, फिर आया हूँ मैं इधर। अभी इनकी बेल हुई है थोड़ी देर तक, के बाद जहाँ मैंने कराई। वाँ, 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 वाँ। तो अब क्या मुझे वापस भेजोगे? हाँ दोबारा जेल जाओ। तो थाने में क्या था, मजा आया? जो तूने झुकते मारी वापस जेल जाएगा। थाने में मजा आया? नहीं नहीं, बहुत अच्छे लोग थे थाने के लोग। आपने कैसा पाया हमारी पुलिस को? बहुत अच्छी पुलिस है। कल मैं हेलमेट लेके जा रहा था, मेरा चालान कर दिया, बोले ओए हेलमेट ले जा रहा, मोटरसाइकिल कहाँ है तेरी? ये पुलिस की बात की ना, मैंने पुलिस वाले से पूछा, मैंने कहा जिंदगी में कभी आपको मौत का सामना हुआ हो, डर हुआ हो, खौफ हुआ हो? कह रहे एक बार हुआ था। मैंने बोला कब? कह रहे जब मैंने रोजा रखा था। हाँ। अच्छा आपको पता कानून अंधा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसको जो भी दो बगैर देखे जेब में रख लेता है। अरे करप्ट करप्ट अफसरान, करप्ट सारे नहीं, करप्ट ऑफिसर की बात हो रही है साहब, बहुत सारे हमारे ऑफिसर बहुत अच्छे हैं, सरकार ताज है, लेकिन जो करप्ट है उनके खिलाफ तो, उनके खिलाफ तो हम बात करेंगे ना, उनके खिलाफ तो बात करेंगे। आपके भी, आपके आप भी कुछ पुलिस वालों के खिलाफ है? नहीं नहीं मैं खिलाफ नहीं हूँ, मेरे तो दोस्त यार पुलिस वाले, मेरे पुलिस वाले तो बेल्ट नहीं बांधते, बेल्ट की जगह नाड़ा बांधते हैं। क्यों? वो इसलिए कि हर बंदा धमकी देता है, अभी तेरी बेल्ट उतरवाता हूँ। तो नाड़ा तो उतरवा नहीं सकता, लेकिन नाड़ा खींच सकता है। हाँ खींच सकता है, लेकिन पैंट फिट होती। अच्छा पुलिस वाले को तलाशी लेने का बड़ा शौक होता है ना। वो एक बंदा नहर में नहा रहा था, पुलिस वाले ने देख लिया, कहने लगा ओए बाहर निकल के कपड़े पहन, तेरी तलाशी लेनी है। हमारी तो पुलिस मुजरिम से इस तरह बातें कर रही होती जैसे इनकी आपस में बहुत पुरानी दोस्ती है। हाँ बहुत अच्छी है, बहुत से अच्छे लग रहे हैं। पुलिस वालों की बात करें जो करप्ट है, बार बार मैं वो इतने प्यार से बात करते ना, वो उनका तरीका होता है वारदात, वो कबूलवाने का तरीका होता है ये। और फिर उसमें नहीं कबूलता ना, फिर चितर होते हैं। अच्छा 15 पे फोन करो तो मोबाइल आ जाती है, 51 पे करो तो क्या होता है? तो फिर लेडीज पुलिस आती है, मोबाइल वापस चली जाती। अच्छा ऐसे बंदे का जो है ना जंग में भी सर कलम नहीं करते, क्यों? सिर्फ चमाटे मारते, पटाक पटाक। अच्छा ऐसा बंदा भी जब कभी फर्स्ट टाइम एटीएम जाता है ना तो चप्पलें बाहर उतार के जाता है, अबे तू पैसे निकालने जाता। एक सेकंड यार ये सारी झुकते याद करके आए। मैं इंकशाफ कर रहा हूँ, मैं इंकशाफ कर रहा हूँ। क्या? ये सुपरमैन नहीं है, ये सुपरमैन नहीं है, ये अमानुल्लाह का बेटा है, ड्रामेबाजी कर रही है। ओए कौन है भाई? ये नहीं है भाई, बैठ तू, झूठ बोले, वर्दी पहन कर है तू, यहाँ के सारे थिएटर, तू आर्टिस्ट है, आर्ट कौंसल में बैठा हुआ तू, कॉमेडियन है, आर्ट कौंसल में झुकते मार इसलिए रहते ताकि असली रूप आए, और ये है ही नहीं सुपरमैन। भाई जान मैं सुपरमैन हूँ, झूठ बोल रहा तू, सुपरमैन ले लो यार, आपके अब्बू की, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आपके अब्बू की? तेरे अपने अब्बू की खा। मैं अपनी क्यों खाऊं? मैं फिर दोस्तों अभी ये तो अपने अब्बू से मार खा चुका, तेरा अब्बू देखा, अब्बू माँ बाप को देख रहा है, इबादत है ना, उन्होंने रख के थप्पड़ देख लेंगे, बेटा जिस तरह तू छुप छुप के देखता ना वो इबादत नहीं है। गलत बात है, देखो यार। अच्छा ये सुपरमैन ये बताओ कि कराची में हो काफी टाइम से, ये खाना वाना कहाँ का खा रहे हो? खाने माने हर पुल के नीचे खाना मिल रहा है यार, जहाँ मर्जी उतर जाओ खा लो, कहीं बकरे की कढ़ाई, कहीं टिक्के, बीफ, आहा मजा आ जाता, मजा आ जाता। अबे सुपरमैन भी आके जेडीसी पे खा रहा है, सैलानी पे? तो भाई हमारे लिए तो खोला हुआ है कि गरीब लोग आए यार, मुझसे कोई ज्यादा गरीब है? गरीब? अबे हाँ भाई गरीब है, पासपोर्ट भी नहीं है मेरे पास के वापस जाऊँ। इसके पासपोर्ट पे भी? हाँ उड़ के चला, इसके पासपोर्ट पे भी लिखा हुआ है ना मरूम, मरूम लिखा हुआ है। कराची में कौन कौन सी जगह पसंद आई आपको? मुझे अपना ये डोली खाता बहुत अच्छा लगा। डोली खाता? अच्छा अच्छा जी हाँ, सोल्जर बाजार, हाँ ये बड़ा अच्छा लगा। फिर रंछोलेन हो गया, फिर रामस्वामी हो गया, फिर ये अपना हुसैनाबाद हो गया, क्या इलाके, आहा आंखों को दिल को ठंडक पड़ गया। इधर बनारस साइड गया, बनारस और आप गोट आप लेके चले कभी? अच्छा बात पता है कि आप अपना जमीर अपडेट करवाइए, आपको गैरत नामी सॉफ्टवेयर की जरूरत है मुझे ऐसा लगता है। ये क्या चीज होती है? ये क्या चीज होती है? अच्छा फिल्में किस तरह की पसंद है, क्योंकि आपकी तो अपनी फिल्म बड़ी हिट है। हाँ फिल्म कोई सी भी दिखा दो मुफ्ते की, पैसे तो होते नहीं हमारे पास। अच्छा बात पता है क्या, जब नई सड़क की ओपनिंग होती ना उस पे सबसे पहले ऐसा बंदा गाड़ी के नीचे आता है। अच्छा जब आप उड़ रहे होते तो परिंदे आपको परेशान करते हैं कभी? कौवे ने चोंच मारी हो, चील आपको चुगा मार के पंजा मार के चली गई हो? अरे भाई बड़ा मारा है कौवे, और ये लोग तो मेरे ऊपर बीट कर देते, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ।
क्यों? यही कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ये परिंदे छोटे छोटे परिंदे उड़े, हाथी और भैंस उड़ती तो फिर क्या होता? यही होता। सुपरमैन, सुपरमैन हाथी की बीट पे दब के हलाक। अच्छा ये सुपरमैन चिड़िया घर गया था, हाथी को देख के अफसोस कर रहा था, कह रहा है यार हमसे अच्छा तो हाथी है, कितनी बड़ी सूंड है इसकी, देखो देखो यार ये बड़े शौक है, सूंड होती तो मैं पानी जो है ऐसे पी लेता। अच्छा अच्छा अच्छा, और उसे नहा भी लेता, नहा भी लेता। ये सुपरमैन ही तुम्हारा जो कॉस्ट्यूम है, ये संडास जाने में मसला तो नहीं होता? ये क्या पूरा पूरा उतार के दिखा देते हो या फिर क्या? हां ये पूरा उतारने में मेन मेन जगहों पे सिर्फ लगी हुई है, मेन मेन जगहों पे दो पॉइंट बनाए हुए, जैसे इंसान के पॉइंट होते ना, पंप पे रुक गया, सीएनजी के लिए रुक गया। अच्छा वो आपने इसमें कराया हुआ है? बोला दो पॉइंट में सिर्फ लगी। ऑल्ट्रेशन कराई है आपने? ऑल्ट्रेशन करवाई? नहीं यार, मैं तो दुआ है कि तुम्हें मजीद सेहत दे अल्लाह। आमीन आमीन, बड़ी जरूरत है यार सेहत दे। बिल्कुल। अच्छा सुपरमैन किस इलाके में ज्यादा उड़ते हो? मैं कहां उड़ना ज्यादा अच्छा लगता है कराची में? मैं कराची की जो ये यूनिवर्सिटियां बनी है ना, इन जगहों पे उड़ना बड़ा पसंद करता हूँ। बिल्कुल हमारे यूरोप जैसा माहौल मिलता है, कोने खाचों में। यूरोप जैसा माहौल? कौन सी मतलब उड़ा भाई? बस जगह जगह बनी हुई है, अब सबके नाम थोड़ी बताऊंगा, कल को तुम बोलोगे मुझे भी कंधे पे बिठा के ले जाओ उड़ा। यूरोप जैसा माहौल क्या? बस आप खुद देखिएगा ना यार, सब थोड़ी खुल के बताएंगे। कराची में यूनिवर्सिटियों का बड़ा सुना है आजकल, मॉल आउट चल रहा है। नहीं यार मैं, मुझे नहीं पता, हम तो कभी स्कूल भी नहीं गए, हम खाली गुजरे हैं बस वहाँ से। आपने आप कौन से कॉलेज गए थे? मैं वुमेन्स कॉलेज फॉर बॉयज। वुमेन्स कॉलेज फॉर बॉयज? ना ये बॉयज कैसे? बस बॉयज का था ना, मतलब वुमेन्स को वुमेन्स ऐसी आती जाती थी वहाँ, मतलब क्योंकि जब छुट्टी होती है तो वहाँ पर गर्ल्स से ज्यादा बॉयज का रश होता है। हां ना भाई, और मैंने तो मैट्रिक कहाँ से किया? कहाँ से किया? इस्लामिया कॉलेज। अच्छा क्यों? हां मैट्रिक। हां बस मैं वहां से करीब था, करीब था इस्लामिया कॉलेज से मैट्रिक है ना। आपने कहाँ से मैट्रिक किया? मैंने कहाँ से किया? इसने मैंने वो कोचिंग सेंटर से किया था, है ना। आप रोज स्कूल जाते थे? कोचिंग सेंटर रोज स्कूल जाते थे आप? हैं छुट्टी में? छुट्टी में तो जाते। अच्छा अपना अपना सुपरमैन साहब आपकी एजुकेशन क्या है? ये कोई 250-300 रुपए एजुकेशन, तालीम तालीम, काले काले इल्म में बीए किया है। तालीम तालीम। अच्छा तालीम बोले ना, आप इंग्लिश में क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो भाई तू क्या कहते हैं, यूरोप से सुपरमैन है? अरे यूरोप से। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, आप इतने नॉलेजेबल पर्सन है लगता तो नहीं है, तो ये बताइए वो क्या है, वो क्या है जो ना मिले तो लड़के हाथ से भी काम चला लेते हैं? व्हाट इज दिस? ओह सिंपल, हेयर ब्रश। अच्छा फिर आप भी मुझे बताएं, ये सिंगाड़ा अंदर से व्हाइट और ऊपर से काला क्यों होता है? ये तो सिंगाड़ा ही बताएगा। तो जब ही तो इनसे पूछ रहा हूँ। अच्छा क्यों होता है जवाब इसका? ये मुझे भी नहीं पता। अबे तो मैंने उससे उसको बोला, उसने इसको बोल दिया। अबे कौन सा होगा आपका सुपरमैन? नहीं यार ये जो सुपर आप मतलब थिएटर करने का इरादा है आगे जाके पंजाब में थिएटर करेंगे? आई वाज गोना टू, यस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अच्छा आपकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? जी मैं चलते हुए जा रहा था भाई, रास्ते में मौका मिला, कर ली शादी। शादी कर ली? जी जी हमारे यूरोप में यही होता है भाई। हाँ यही होता है, अभी शादी करेंगे, शादी हुई नहीं है, बच्चे हो गए। ये कराची में स्टे कहाँ है आपका, कहाँ रह रहे हैं? टेंशन में रह रही है अभी तो। स्ट्रे तो हर जगह मिलेगी ना, आप यहाँ अबे एक्स्ट्रे नहीं स्ट्रे स्ट्रे। ये आप कराची में कहाँ स्टे किया हुआ आपने? यार ये मैंने एयरपोर्ट के पीछे की साइड पे स्टे किया हुआ यार। एयरपोर्ट के पीछे कहाँ? अरे जहाँ सारे जहाज बन के सोए हुए होते, चादर ओढ़ के, आपका भाई भी वहाँ सो जाता है, अभी चादर में किसी और पे डाल के आया हूँ, बुखार था लड़के को। यार ये क्या क्या यार ये? तो जब आपको बुखार चढ़ता है तो आप क्या करते? सुपरमैन वाली कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ये सिर्फ ये नहीं, ये परेशानी हालात और अपने ये घर के हालात मुल्क के हालात बता रहे हैं। और अच्छा मैंने कुछ लोगों को देखा, उनके शिकवे जो है ना कभी खत्म नहीं होंगे। आप देखो हैप्पी फादर्स डे पे मेरे एक दोस्त ने मुझसे शिकवा किया, क्या मेरे बच्चे मुझे विश नहीं करते। मैंने बोला क्यों? कह रहे उनको पता ही नहीं मैं उनका बाप हूँ। यार यहाँ के लोग वैसे, उनकी अम्मी को भी नहीं पता? ये तो नहीं पता, ये बताएंगे। हाँ क्या कह रहे? यहाँ के लोग वैसे भी बहुत अजीब है। हाँ क्या अजीब है? जीते जी माँ बाप को कुछ फल फ्रूट खिलाते नहीं, मरने के बाद भिखारियों को खिलाते के दुआ करना हमारे माँ बाप के लिए। सुपरमैन, वाह 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 सुपरमैन, आपने इतनी तल्ह हकीकत वाली बात की। अच्छा आप फल फ्रूट लाए हो? नहीं नहीं मैं समझा आप बोलोगे ये भी हमने किया हुआ है। क्या बात की यार इसने बरकत भाई। यार मैं कह दूं कि काश, मैं ख्वाहिश करता हूँ मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि मैं पर्दों की दुकान खोलूं। क्यों? अब आप पूछे कौन से पर्दे? कौन से पर्दे? वो पर्दे जो दूसरे के ऐबों पे डालते हैं। वाह हाय 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 हाय। देखिए मैं और वो पर्दे जो आपकी अकल पे पड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं अहमद साहब, ये बात जो कर रहे ना सुपरमैन, एक तल्ख हकीकत क्या है? क्या? पड़ोसी के बच्चे भूखे हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन पड़ोसी की बेटी कहाँ जा रही है सबको पता है। और मैं कहना चाहता हूँ मौजूद खातिन हजरत, मैं इस बात को जरा सीरियस लिया जाए। इंसान की जिंदगी के तीन स्टेप होते हैं,
एक बचपना जिसमें वो घर वालों से सिर्फ मांग के खाता है। वाह वाह वाह। सेकंड होती है जवानी जिसमें वो सिर्फ घर वालों के लिए कमाता है। वाह वाह। थर्ड होता है बुढ़ापा जिसमें ना वो किसी से मांग सकता है और ना ही कमा सकता है। आए, 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 ना ही खा सकता है, दांत नहीं होते। लेकिन मेरी लाइफ के तो 24 स्टेप है। कौन से 24? हाँ, 24 के बाद मेरा फर्स्ट फ्लोर पे घर आता है यार। नहीं यार बड़कर भाई, मैं आपको क्या बताऊं, एक दिन मैंने जिंदगी से बड़ा गिला किया। एक दिन मैंने बोला यार बस अब जिंदगी से कुछ भी चले जाए अफसोस नहीं है। लाइट चली गई। है? आ, ये हुआ है, ये रियल इंसिडेंट है। हाय 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 हाय। तो क्या आप देखो ना, वो अब देखिए नॉर्मल आदमी का ये हाल है कराची में। चले हम तो लोग वहाँ की तैयारी नहीं करते यार, जो ना खत्म होने वाली जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी वहाँ की। ये एक मुसाफिर खाना है जहाँ पर आप आए कुछ दिन के लिए रुके, उसके बाद आप चले जाएंगे। ओए होए। और यहाँ पर हम अफसोस करते हैं ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मिला वो नहीं मिला। देखिये बात पता है क्या, अहमद साहब मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। कहते हैं कि वक्त आपका है, वक्त आपका, वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। और चाहो तो अकेले सो, और चाहो तो अकेले सो। जिसने 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 अकेले जो अकेले पप्पी की, जिसने 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 पाकिस्तान भेजा उस पे क्या बोलेगा? नहीं नहीं, जिसने नींद पूरी की उसने ख्वाब पूरे नहीं किए, जितने ख्वाब पूरे किए उसने नींद पूरी नहीं की। हाय 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 हाय। मुझे लगता है आपने जो भी चीज की पूरी की है। जी बिल्कुल। और परेशानी पे रखा गया कंधों पे हाथ, उन तालियों से बेहतर है जो खुशी में बजाई गई थी। ओहो, ये वही हकीम साहब वाली बात है, कंधों पे हाथ रखा हुआ है और मरहम लगा रहे। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में लोगों के ख्वाब कैसे पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे, यहाँ तो नींद ही पूरी नहीं हो रही। हाय हाय हाय। आज जिससे पूछो, हाँ अबे जिसको बुलाने जाओ ना घर पे, दोस्त को बुलाने जाओ, हाँ भाई तो वो सो रहा है, फिर बुलाने जाओ, हाँ भाई सो रहा है, फिर बुलाने जाओ, हाँ भाई सो रहा है, मिलेगा अबे तीन दिन से सोया नहीं हो यार। ये देखो ये हो रहा है, ये के इलेक्ट्रिक ने लोगों को मशरूफ कर दिया यार, उनको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए आपको। बहरहाल अच्छा आपका शौक है कभी उड़ते उड़ते मैं चांद पे पहुंच जाऊं, या आप पहुंच गए बाद में पता चला यार ये चांद नहीं है? अच्छा बात पता है क्या, मैं आपके आप रखा बक्का हो गए, आप झुकते याद कर रहे हैं ना? मैं झुकते याद नहीं कर रहा हूं। देखिए बात ये मौजूद ख्वाजा हजरत प्रोग्राम का वाइंड अप मैं तल हकीकत से करना चाह रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा समझदार भी नहीं बनना चाहिए, बहुत ज्यादा समझदार भी नहीं बनना चाहिए, जीने के लिए कुछ बेवकूफी भी जरूरी होती है। तो आपने आप समझते कौन सी ऐसी बेवकूफी है जो आपने जिंदगी में की है? शादी, शादी या सुपर बन बनने का, सुपर 11 बच्चे? नहीं वो तो उसमें तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। कौन सी ऐसी बेवकूफी है जो आपने की है? मेरी कोई बेवकूफी नहीं है, यही बेवकूफी में पाकिस्तान क्यों आ गया? मुझे वापस भेज दो भाई। बहुत अच्छा मुल्क है, बस यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला हल हो जाए, महंगाई खत्म हो जाए, गुर्बत खत्म हो जाए, हालात ठीक हो जाए, गरीब खत्म हो जाएगा, लेकिन गुर्बत खत्म नहीं होगी जैसे इमरान आपको मिले हुए भाई। जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग अपने अपने आप को दुरुस्त करें, कचरा आप खुद फेंकते हो क्या? तो मेयर ने साफ नहीं लगा रहा, वो थोड़ी फेंकता है आगे। बात तो सही कर रहे हो, हुकूमत के खिलाफ इसको बातें करने तो उठेगा, तो ये उठेगा, समझ रहा? बोल भाई बोल। हाँ बोल भाई बोल। ये वाला पोर्शन इसका लगा, और ये ऐसा ये सुपरमैन ऐसा उठेगा कि हमेशा उठे ही। नहीं नहीं, बहुत अच्छा मुल्क है आप लोगों का। और मैं बात कहना चाहूंगा कि भाई ये सिगरेट बड़ी नुकसानदेह चीज है, मैं हाथ से ऐहद करता हूँ मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा। इस सिगरेट पे एक शेर भी अर्ज है। बिल्कुल। कि मेरे हाथ में है जलती हुई सिगरेट, तेरे मुंह पे फेंक दूंगा मैं ये जलती हुई सिगरेट, तू मिलती है किसी और से दिल से मिल, मैं भी नहीं पीता किसी के मुंह पे लगी हुई सिगरेट। त्याग चर्सी का ये शेर है, त्याग चर्सी, त्याग चर्सी, ये शायर का नाम भी बता दूं। और यार बहुत अच्छा लगा सुपरमैन इन पाकिस्तान। और ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं आप करें,